कार्यकर्तागण से आप लोगों को जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास इतना लंबा है कि उसके बारे में शुरू से लेकर आज दिन तक चंद मिनटों या घंटों क्या महीनों में भी नहीं हो सकता। कि अमित साहब ने जैसा बताया किस प्रकार से कैसे आजादी इसने हमको सुनाए कौन बताए भी कौन। आज अगर बात करें कि ये कांग्रेस ने आपको वोट का अधिकार दिया तो लोग कहते हैं ये क्या नई बात, ये कांग्रेस ने क्या दिया, ये तो होता है ही पहले से ही है, ये पहले से नहीं था। पहले राजा के पेट से पैदा होता था वो राज करता था, अब राजा के पेट से पैदा होने वाला राज नहीं कर सकेगा। अब तो जिसको आप राजगद्दी सौंपोगे वो राज करेगा। ये मोदी जी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इनको भी जनता ने वहां बिठाया है। अगर जनता के पास ये अधिकार नहीं होता तो इनको वहां कौन बैठाता। तो ये अधिकार आपको कांग्रेस ने दिया, खेती का मालिक का मीन साहब ने जैसा बताया सब कुछ। अब जब से मोदी जी का राज आया है उसके बाद से देश की क्या स्थिति वो आपसे छिपी हुई है, केवल जुमले भाषण, आपस में एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, ये काम इस मोदी सरकार का है। इस विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बना दी, केंद्र में पहले से हैं, अब दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं, फिर आप लोग फैसला करोगे वो फैसला होगा। राजस्थान में बीजेपी तो करते हैं भाई, तू मैं आज हम यहाँ बैठे हैं या पानी के क्या हालात है मेरे को नहीं मालूम, लोग मुझे बताते हैं पहले आता था वो भी बंद हो गया। ये हालात आज है, आने वाले इस भयंकर गर्मी में अगर यही हालात रहे तो क्या हाल होगा। तो इस तरह ये फसल बीमा की बात कर रहे थे उसके भी हालात आप देख रहे हैं, अभी किसानों के कर्जे लिए हुए हैं, कोई 31 मार्च तक जमा कराओगे तो आपको ब्याज नहीं लगेगा, नहीं तो फिर ब्याज लग जाएगा, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों की मांग है, किसानों की मांग है, फिर भी नहीं बढ़ा रहे हैं, सरकार के हाथ में बढ़ाए नहीं बढ़ाए क्या जरूर करने। और ये किसानों को भी लोन जो है बिना ब्याज का देना का ये फैसला किसने किया, ये कांग्रेस की सरकार ने किया। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी उसने किया था, बिना ब्याज के पैसा देता है कोई, कांग्रेस सरकार में देना शुरू है, बंद ये भी नहीं कर सकते, करे तो इनके भी लेने के देने पड़ते हैं, और अभी 31 तारीख तक ही 9 तारीख दार। तो इस तरह से कहने को बहुत बात है, पर आप लोगों को सोच विचार करें, ये लोकसभा का निर्णय करना है, अगर आप सोच विचार करके निर्णय करेंगे तो निर्णय अच्छा होगा। एक महीने का समय रहा, आपको ज्यादा समय नहीं रहा, इतने कम समय में आप लोग सोचो कि उमेंद्र राम जी आपके बीच में आए वोट मांगने, मीटिंग करें, आप लोगों से मिलें, एक एक मतदाता से वोट के लिए अपील करें, यह संभव नहीं है, जो समय नहीं है इतना, उसके बाद में आते रहेंगे मिलते रहेंगे सब होगा, लेकिन अभी जो समय है वो बहुत कम है, और जिसमें भाई तुम्हें तो आप लोगों को समय लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये चुनाव अभी बाईतू विधानसभा का नहीं है, ये चुनाव लोकसभा का है, 8 विधानसभा है, बाईतू जैसी 7 और हैं उनमें जाना पड़ेगा। यहाँ तो इन्होंने 10 साल से पिछले आप लोगों के बीच में है ही, तो आप लोगों को फिर यहाँ इनको बुलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर भी कल पूनिया का तला थे, आज यहाँ आए हैं, पहले दिन जब आए थे यहाँ बाईतू सो करके निकले थे, अब इसके बाद में आप मेहरबानी करके बाईतू वाले इनके लिए ज़्यादा समय की मांग मत करना,
ये मेरा आपसे अनुरोध है और ये काम आप संभालना। उम्मेदाराम जी आए हैं, हरीश जी आए हैं, हम आके क्या कर ले, मिलना ही होगा, इससे ज्यादा तो क्या होगा। और हम हमारी बात कहें, बात तो कहने की जरूरत कहाँ है, बात क्या कहने। हम तो आजकल आप लोग बहुत होशियार हो, हमारे से भी होशियार हो, तो इसलिए आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप समझे हुए हैं। पर ध्यान, फिर भी चुनाव चुनाव है, ये छोटी बात नहीं है। इसको कमजोरी से नहीं लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। मजबूती से लड़ने के लिए आप सभी उम्मीदवार अपने आप को समझोगे, उस हिसाब से काम करोगे, तब जाके अपनी गाड़ी पार होगी। तो इसलिए मेरा ये भी विधानसभा के चुनाव हुए, ये कह रहे थे हरीजी से, हरीजी कांग्रेस से थे, उम्मीदवार जी आरएपी से थे, अब ये अपने कांग्रेस के साथ आ गए। कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दे दिया, उम्मीदवार है अपना, अपने अपने पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको अपने को वोट देना है। और जहां तक उम्मीदवार से आता, उम्मीदवार भी अच्छा है, उम्मीदवार में भी कमी तो नहीं है, कमी नहीं, पहले वोट क्यों नहीं दिए, पहले तो हमारे साथ थे नहीं ना, हमारे साथ नहीं है तो उसको तो हम वोट कैसे दे, चाहे अच्छा भी है तो हम तो हमारी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। अब हमारी पार्टी का आदमी आगे तो हमारे को वोट देने में कहाँ तकलीफ है, तकलीफ है ही नहीं, देंगे, जम के देंगे, जिताएंगे। तो ये बताइए, केला जी बैठे धन्यवाद, ये दो बार मेरे सामने विधानसभा चुनाव लड़े थे, फिर मेरे साथ आ गए। ये पिछला विधानसभा चुनाव 18 का, उन्होंने मेरी खूब मदद की और आज भी मजबूती से खड़े हैं कांग्रेस के साथ में। तो जब साथ में जो आ जाते हैं तो उसकी मदद करना अपना फर्ज बनता है, और अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो अपने भी कमजोर होंगे और अपने को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेहनत करके जीता कर भेजना है। और बाईटू का तो भाई अब ये रिवाज निकल गया, बाईटू का तो ये रिवाज निकल गया, नाम एमएलए का हारता वो एमपी बनता, बनता नहीं बनता, बनता है, बने कि नहीं बने, आगे बने। कल ना सोनाराम जी आ रहे थे फिर एमपी बन गए, केला जी आ रहे थे फिर एमपी बन गए, हैं अब के उम्मीदवार जी को बना दो, ठीक है, ये परंपरा बन गई, इस परंपरा को कायम रखना है, ठीक है। और उम्मीदवार जी को जीता करके भेजना है, सबको अपनी जिम्मेदारी संभालनी है, जिम्मेदारी नहीं संभालोगे तो कुछ नहीं होगा। आप समझते हो मैंने आपको कह दिया कि जिम्मेदारी से कम आएगा, हमें वोटों में ही, कई लोग हमें ही को आवे जगह है, बस की करें, बस की निहाल करें, कही आप किया है, अरे बैठे हो थोड़ा ही, नींद थोड़ी आवे रात को, है न नींद आवे न रात रही बैठे न दिन रहे, टाइम तो आगे टाइम ही है, रात रहो बड़े। हाँ जैसलमेर बाबू का गाँव कितना बोले पठो रात रात आया है, बस बात गाँव के अब तो कहना मतलब दौड़ दिया, सभी दौड़ दिया, आप लोग भी दौड़ दिया, और एक लोग दौड़ने में कहीं नहीं होना। और अपना अपना बूथ संभालो, अपना बूथ मजबूत करो, और बूथ पे पूरे वोट पड़ने चाहिए, आधे अधूरे वोट पड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। ये अभी 90% क्या 98% तो घने हुए हैं पोलिंग, अभी इस विधानसभा चुनाव में घने ही मैंने देखे 98%। तो इसलिए इस तरह से वोट पीछे नहीं रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पड़ना चाहिए। कोई भाई इधर उधर है, दबा डिंगा है, कोई वजह से कोई कारण से नाराज है तो उसको भी समझाओ, मनाओ और साथ रहो, लेकर के चुनाव लड़ोगे तो अपनी गाड़ी पार हो जाएगी। ये कोई चुनाव जीतना उम्मीदवार के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में, हम लोगों के हाथ में नहीं चुनाव जीताना। आप लोग वोट नहीं दोगे तो हम क्या कर लेंगे, उम्मीदवार को वोट ही नहीं दे तो उम्मीदवार क्या करेंगे। उम्मीदवार तो आपसे हाथ जोड़ सकता है, विनती कर सकता है। मुझे याद है एक बार बहुत पुरानी बात कह के मैं समाप्त करूँगा, मथुरा राजी माथुर गृह मंत्री थे राजस्थान के, और मथुरा राजी माथुर से का लोगों ने कि कांग्रेस ने क्या किया, तब मथुरा राजी माथुर ने कहा कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने ये जो महारानियाँ थी जो पर्दों में रहती थी महलों में उनको बाहर सड़क पे ला करके इन लोगों के सामने हाथ धुलवा दिए, लोगों के सामने हाथ जुड़वा दिए, ये कांग्रेस ने किया। जोधपुर की महारानी, जयपुर की महारानिया ने चुनाव लड़ी थी,
चुनाव में आई थी लोकसभा के चुनाव, तो ये कांग्रेस ने किया। भाई हाथ लोगों के सामने हाथ जुड़वाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। ये उन्होंने पृथ्वीराज जी मात्र उठाया, ये कोई कम काम है क्या? और यूं विकास की इन काम की बात करते हैं, आज ये दूसरी बात करते हैं, है? हमने ये कर दिया वो कर दिया, उन बातों में कुछ नहीं रखा है। आप लोग समझ जाओ, समय है अभी एक महीने का, पांच साल की गई और फिर पांच साल के बाद में फिर और पांच साल भुगतना पड़ेगा, और अब तो क्या आगे दस साल ही भुगतना पड़ेगा। और अब के अगर उनके हाथ में सत्ता चली गई तो आने वाले समय में फिर कैसा समय होगा पता नहीं। हमारे को तो कुछ अभी अमीन साहब, हम तो बुजुर्ग हो गए, हम 80 में मैं अमीन साहब ने 7 में चुनाव लड़ा था, अमीन साहब 85 साल के, मैं 6 से 9 साल मेरे से भी बड़े, तो इसलिए हम तो आप लोगों से निवेदन ही कर रहे हैं। बाकी हमारे को अब कोई ज्यादा इसमें कोई लेना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, ऐसा कुछ तो है नहीं। पर आप लोगों को कहना है कि भाई आप लोग ठीक से सोच के विचार करके अगर वोट करेंगे तो अपनी बात ठीक रह जाएगी, कुछ तो होना चाहिए नहीं। अब वो कह रहे हैं 400 पार वाली ये बात ठीक है, ये 400 कहाँ से लाया आंकड़ा? 543 के लिए और पूरा ही, फिर पीछे क्यों छोड़ेगा? इतनी सीटें पीछे बाकी क्यों छोड़िए? इनके किसी ने इनको सुझाया नहीं, अगर 543 के इनको विपक्ष तक कोई नहीं, इनका ये विपक्ष होना ही नहीं चाहिए, विपक्ष होगा तो उड़मा देगा कोई ना कोई, होता नहीं कमी कमी खामी निकालेगा। ये न्यायालय नहीं हो हिंदुस्तान में तो ये चुनावी बॉन्ड जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला है ये खुलता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला खोल दिया, ये कितना मामला ऐसा स्कैम कभी हिंदुस्तान में आज दिन तक नहीं हुआ। किस तरह से कैसे चंदा मिला इनको, छापा डाला उसके वहां उस कंपनी के वहां जिस कंपनी के वहां से कितने सैकड़ों करोड़ रुपया इसके पार्टी के फंड में जमा हो गया, बॉन्ड खरीद लिया, और किसी को काम देना है ठेका देना है तो 2100 करोड़ का बॉन्ड ले लो और ठेका ले लो, ये तो हाल है। आप देख लो, फैसला आपको करना, फैसला आपके हाथ में, तो कह ही सकते हैं, इसलिए आप विचार करके फैसला करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा फैसला होगा। और उम्मीद राम जी यहाँ से जीत के जैसे ही जाएंगे, जैसा कि मैंने भाई तू की परंपरा बताई, उस परंपरा को कायम रखना। धन्यवाद। अमीन साहब मेरे से 9 साल रोजा है, पानी नहीं पिया है, शाम को 7 बजे पियेंगे, तब तक थूक भी गिरते नहीं है, फिर भी देखो इस उम्र में रोजा होते हुए भी आप लोगों के बीच में है, इससे ज्यादा तो भैया क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेमाराम जी साहब, आपने अपने उद्बोधन से अपने अनुभवों से उपस्थित जनसमूह को लाभान्वित करते हुए कांग्रेस पार्टी के रीति नीति के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। साथ ही अमीन साहब ने बैठे बैठे ही आपके सामने इशारा किया कि भाई हमारा और हेमाराम जी का तो ये आखिरी सफर है, इस सफर में आप हमारी लाज रखना, ये अमीन साहब ने आप सबको इशारा किया है। मैं निवेदन रहेगा श्रीमान केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, अपने यहाँ के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य हरिधि चौधरी साहब से कि आप उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर लाभान्वित करावा श्रीमान हरिधि साहब। राम राम सर। बाड़मेर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार भाई उमेदाराम जी बेनीवाल साहब, राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री आदरणीय, हम सबके मार्गदर्शक हेमाराम जी चौधरी साहब, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अमीन खान साहब, पचपदा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत जी, बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी, बाईटू के ब्लॉक अध्यक्ष रुगाराम जी सारण,
परव के ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत जी भाटिया, बाईतू के प्रधान सिमरथा राम जी, गिड़ा के दीपमा राम जी लेगा, पाटोदी की पूर्व प्रधान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य बहन रशीदा बानो जी, सम्मानित मंच और कांग्रेस परिवार के बुजुर्गों और नौजवान साथी। परिवार के अंदर पिछले दिनों के अंदर जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब लोगों को विदित है के अनुसार हेमाराम जी चौहान को अपने को चुनाव लड़ाना चाहिए। हमने सबने मिलकर हेमाराम जी चौधरी साहब को उस दिन निवेदन किया, अपनी बात जो जन भावना थी उसके अनुरूप ही वो बात हेमाराम जी चौधरी साहब को करी। हेमाराम जी चौधरी साहब ने अपनी हम सब लोगों की बात का जवाब दिया कि जब मैं विधानसभा चुनाव के अंदर मना कर दिया कि किसी नौजवान को मौका देना चाहिए, वो बात ही आज भी मेरे तरफ से मैं चुनाव का हूं और किसी नौजवान को आगे मौका देना चाहिए। हेमाराम जी चौधरी साहब ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर उन सब लोगों के बीच में बोला कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने उस दिन भी हेमाराम जी चौधरी साहब को बोला कि मैं कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ने का कहीं भी मुझे अवसर मिलेगा तो मजबूती से मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव से पीछे नहीं जाता। पर जन भावना यह है कि जन भावना हेमाराम जी चौधरी साहब को चुनाव लड़ाना चाहिए। वो बात मैंने कांग्रेस पार्टी ने जो स्क्रीनिंग कमेटी है, शीर्ष नेतृत्व है, उसमें मुझे बुलाया और बुलाकर मेरी चर्चा मेरे से करी। चर्चा के अंदर बाड़मेर की लोकसभा क्षेत्र की जब बात आई उस वक्त भी मैंने ये बात कही कि हम सब लोगों की जन भावना पूरे बाड़मेर जैसलमेर की है कि हेमाराम जी चौधरी साहब को उम्मीदवार बनाया जाए। वहां बैठे हुए सदस्यों ने भी ये बोला कि हमने भी हेमाराम जी से बात करी पर हेमाराम जी मना कर रहे। मुझे बोला आपको चुनाव लड़ना, मैंने कहा बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा, पर आज परिस्थिति ये कि हेमाराम जी चुनाव जीतने की स्थिति के अंदर है और मैं पीछे नहीं हटता। चुनाव लड़ाने के लिए अगर मेरे को बोला जाए तो मैं पाली लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ लूंगा और मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। उस दिन मैंने ये बात करी पर बाड़मेर की जो कार्यकर्ता हो और बाड़मेर की जन भावना हेमाराम जी चौधरी साहब के लिए, तो मुझे उस दिन बोला गया कि आप अंतिम प्रयास करो, ये जो बात आप लोग कर रहे हो हेमाराम जी से वो बात का अंतिम प्रयास आप लोग। वो बात लेकर मैं वहां से दिल्ली से निकला। मैं दक्षिण भारत के प्रदेशों के अंदर कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो टिकट वितरण की कमेटी बनी हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी, उसका चेयरमैन, तो उसने काम को बीच में छोड़कर और मैं एक दिन आया हेमाराम जी चौधरी साहब के पास और हेमाराम जी से मैंने वो वापस बात करी और हेमाराम जी ने उस दिन यही दोहराई, मेरी वो बात है वो कि वो है। बीच में फोन में मैंने कई दफे बात करी, जिससे भी समझाइश हो सके उनको भी मैंने निवेदन किया कि आप ये बात समझाओ कि हेमाराम जी के लिए चुनाव नहीं लड़ना, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए चुनाव लड़ना, इसलिए हम लोग हेमाराम जी से निवेदन कर। मैं रात को घर पर गया और घर पर जाने के बाद लंबी चर्चा हुई और हेमाराम जी का जो पहले रुख था वही था कि हरीश जो मैंने बुढ़ा वाला निकले मना किया था, मैंने ये बात की कि अब बहुत हम लोगों ने चुनाव लड़ लिए, किसी नौजवान को अब चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। वो ना लेकर और मैं जा रहा था और जोधपुर उस दिन मैं रात को जाकर रुका। मेरे पास एक फोन आता है, फोन से मेरे से ये कहा जाता है कि उमेदवार राम जी से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा उमेदवार राम जी मिलना चाहते हैं तो स्वागत है, अगर उमेदवार राम जी मुझे कहे कि आप मेरे मिलने आऊं तो मैं उनको जहां भी वो बोलेंगे मैं उनके घर जाकर भी मिल लूंगा, ये कह जवाब दिया। ऐसा नहीं कि उमेदवार राम जी मेरे से मिलने आवे, अगर कोई भी अपने से मिलना आता तो मालानी की परंपरा ये है कि अपन एक दूसरे को इज्जत।
हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जमकर चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा, पर जो नीचे का स्तर है उससे नीचे जाकर हम लोगों ने नहीं लड़ा, क्योंकि मालानी की यही परंपरा है कि हम लोगों ने चुनाव भी इस तरह से लड़ा कि कभी जीवन में आमने सामने भी होंगे तो आंख से आंख मिलाकर इज्जत से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये सब किसके कारण है? ये सब आप लोगों के कारण, जो आप लोग भाईतो के लोगों ने चुनाव लड़ा था उस वक्त इस तरह की कोई भी अपन लोगों ने बात नहीं करी। उमेदाराम जी आए और उमेदाराम जी ने बात करी कि मैंने इस सब मेरे साथ वालों से राय ली, और राय ली तो मेरे साथ वाले साथियों ने ये बोला कि अपने को कोई ना कोई दल के अंदर जाकर और लोकसभा के चुनाव के अंदर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इनके जितने सहयोगी थे उनके सहयोगी ने इनको ये बात करी और मुझे बोला कि हेमाराम जी चौधरी साहब अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ में आकर हेमाराम जी चौधरी की मदद करना चाहता हूं। फिर मेरे से भी बात करी, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं आप पता कर लो, मैं आपकी भी मदद करना चाहता हूं। मैंने किसी को भी बीच में नहीं रखा, मैंने किसी इंसान को बीच में नहीं रखा, कोई शर्त नहीं रखी, कोई बात नहीं करी, भविष्य की कोई सोच नहीं रखी। मैंने सिर्फ उस दिन उम्मीदवार राम जी और मेरे बीच के अंदर थी कि मैं सही नियत और नीति से आपके साथ में रहूंगा, बस ये बात है। कोई मेरे बीच में नहीं था, और मैंने एक ही बात करी कि मैं कांग्रेस के अंदर जो भाईतो के अंदर प्रमुख जो दौड़ भाग करने वाले हैं, कायदा ये है कि उनसे एक बार जरूर मैं सलाह मशविरा। फिर आकर मैंने आप सब लोगों से सलाह मशवरा करा और 100% आप लोगों ने यह बोला कि नहीं, अगर इस तरह की कोई बात है तो अपने को साथ में रहकर और आगे का सफर करना चाहिए उस दिन, इसके अलावा कोई बात नहीं। तो आप सब लोगों ने सहमति दी, भाईतो के जो मौजीज जो कार्यकर्ता थे वहां तक ही पहुंच सकता था क्योंकि मुझे दक्षिण भारत के अंदर काम करना था। उसके बाद जब टिकट के लिए बात हुई, जो मैंने कहा हम भाईतो वालों के पास अधिकार नहीं है, 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 के जो मुखिया लोग हैं उनसे भी टिकट के बारे में राय मशवरा करना चाहिए। मैंने 8 से राय मशवरा किया, 8 से राय मशवरा करने के बाद में अंत के अंदर में हेमाराम जी चौधरी साहब के पास रात को घर कर गया 7 से करने के बाद में कि साहब आपने जो बात करी इस बात के आधार के ऊपर एक और प्रस्ताव में लेकर आ रहा हूं, सब लोगों से सलाह करिए। अमीन साहब के भी मैं धाणी गया, तमाम जो फकीर परिवार रूपाराम जी पद्माराम कपूर मदन प्रजापत रूपाराम जी तमाम लोगों से मैंने चर्चा करी, और जो इन सब लोगों से सहमति लेने के बाद में हेमाराम जी के पास गया, मैंने कहा इन सब लोगों की ये इजाजत है, भावना है कि अपन उम्मीदवार राम जी को कांग्रेस में शामिल करकर और उम्मीदवार, कोई उसके अलावा बात नहीं। हेमाराम जी ने भी सहमति दी कि अगर सबकी इच्छा है तो मेरी भी उसके अंदर सहमति है। हेमाराम जी की सहमति के बाद में मैंने पार्टी के अंदर बात करी, पार्टी के अंदर मेरे को उस स्क्रीनिंग कमेटी से पहले अधिकृत किया था कि बाड़मेर के टिकट का फैसला आप कर। मैंने कहा मैंने बाड़मेर के सभी नेताओं से सभी कार्यकर्ताओं से राय मशवरा लिया और सबकी ये भावना है, उस आधार के ऊपर मैं पार्टी के अंदर ये बात रखना चाहता हूं कि उम्मीदवार राम बेनीवाल जी को पार्टी के अंदर शामिल किया जाए और टिकट दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र का नेतृत्व ने उसकी इजाजत दी, अगले दिन जाकर हमको पार्टी के अंदर उम्मीदवार राम जी को शामिल करने का फैसला करना था। फैसला होने के बाद में मैं मेरे पास उम्मीदवार राम जी को कहीं से आ रहे थे, पहली दफे मेरे ढाणी में आई, रात को हमने आपस में चर्चा करी कि भाई अपने को हेमाराम जी चौधरी साहब के पास सुबह चलना था। अगले दिन मैं और उम्मीदवार राम जी दोनों हेमाराम जी चौधरी साहब के पास गई
और हेमा राम जी से निवेदन किया कि जो आप सब लोगों की सहमति से उम्मीदा राम जी को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, आप भी हम लोगों के साथ जयपुर जाकर हमारे परिवार के मुखिया हो, आप भी जयपुर चलोगे तो वो एक अच्छा संदेश और अच्छी परंपरा रहेगी। अरे हेमा राम जी का बड़प्पन था कि हेमा राम जी ने हम दोनों के निवेदन को माना और अगले दिन हेमा राम जी चौधरी साहब समेत बाड़मेर के 8 विधानसभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे वो तमाम जयपुर के, और सर्वसम्मति से हम लोगों ने उम्मीदवार रामजी बेनीवाल को पार्टी के अंदर शामिल किया। और भी उम्मीदवार थे पर सब आप लोगों से सबसे चर्चा करी, आप लोगों की भावना थी कि उम्मीदवार रामजी हम लोगों के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार है, तो आप लोगों की भावना नेताओं की भावनाओं के अनुरूप जब कभी फैसला करना पड़ता है, किसी के अनुरूप फैसला नहीं होता है तो उनके नाराजगी भी होती है। तो मैं आज बाइटू के परिवार में और दुनिया के सामने इसकी जिम्मेवारी लेता हूं, जो भी नाराज हो रहे हैं, जो फैसला मैंने लिया वो नाराजगी है तो मेरे इस पर नाराजगी रखे, उम्मीदवार राम जी बेनीवाल पर नाराजगी नहीं है। बाकी जो टिकट मांगने वाले थे उनको टिकट नहीं मिला और आप सब लोगों की भावनाओं के अनुरूप उम्मीदवार राम जी को अपने का टिकट लेने का फैसला करना पड़ा, उसके कारण कोई भी नाराज है तो मेरा निवेदन है कि ये कांग्रेस परिवार आपका है, आप वो नाराजगी छोड़कर और कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मीदवार राम जी की मदद करो। फिर सवाल ये उठता है कि अपन बाइटू का जो कांग्रेस का परिवार है और उम्मीदवार राम जी के साथ भी जो इनके कार्यकर्ता है, इनके मतदाता है, मूलते अपन जड़ अपन सब लोगों की एक ही। वो 6 पहले जो घटनाक्रम हुआ उसमें सबके सब मिलकर और उस क्रम के अंदर जयपुर में जाकर उन्होंने कोई बात तय कर ली और उस बात के अंदर तय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल बाकी को इधर उधर चले गए, उम्मीदवार राम जी ने उन नौजवानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय लिया और चुनाव लड़ा। मूलतः तो अपने एक ही परिवार के लोग हैं तो हम अपने को सबको मिलकर और उम्मीदवार राम जी को बाइटू के अंदर चुनाव लड़ाना है, ये बात तय करने के लिए आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन अपन लोगों ने किया। हेमा राम जी ने यह बात करी कि भाई आप समय नहीं लेना, चलो आप भाई तुम्हें घूमते रहोगे, बाकी 7 विधानसभा क्षेत्र भी है, तो हेमा राम जी को अगर आप सब लोगों की सहमति हुई तो मैं एक प्रस्ताव रखता हूं कि सिर्फ एक दिन उम्मीदवार राम जी को हम भाई तू विधानसभा के अंदर बाइटू बटाड़ू गिड़ा और पाटोदी की सभा एक दिन के अंदर हमको हेमा राम जी आप समय दे देना, उसके अलावा अगर आपकी इजाजत हो तो एक दिन के अंदर ही अपन अपने बाइटू का प्रचार करें, अगर आप सब लोगों की सहमति हो तो ये बात अपन प्रस्ताव दें। एक दिन अपने दे। दूसरी बात यह है कि अपना हम एमएलए और एमपी के अंदर परिस्थिति बदल गई, अब 90% से काम नहीं चलेगा, हेमा राम जी ने अपने को इशारे में बात की, पूरी ताकत लगाकर एक एक कार्यकर्ता अपनी बूथ की और पंचायत की कमान आपको संभालनी है। हेमा राम जी चौधरी एक बार एक दिन आएंगे, उम्मीदवार राम जी भी एक दिन आएंगे और मेरे को भी आप बार के लिए छोड़ना, ये पूरी जिम्मेवारी आप और हेमा राम जी ने आंकड़ा ही छोड़ अपन लोगों के सामने खोल दिया कि 98%, तो 98% कैसे है, हेमा राम जी ने जो आंकड़ा छोड़ा ये अपन लोगों को हेमा राम जी की दी हुई चुनौती को स्वीकार करना है। कोई कहीं भी बैठा हो उसको अभी से बैठकर अपन अपने अपने बूथ के अंदर सूची बना दे और उसे अभी अपन संपर्क कर ले कि वोट देने वाले दिन के अंदर अपन को सबको उनको लाकर और वोट दिलवा दे। खर्चे के संदर्भ में भी पिछले चुनाव में पेकड़ बोल गए, अब अपन और कहीं दूसरे से प्रायोजित उम्मीदवार राम बेनीवाल नहीं है इसकी गारंटी मैं दे देता हूं, जो भी उम्मीदवार राम बेनीवाल ने खर्चा किया वो खुद की खरी कमाई से कमा कर और खर्चा किया। ये खर्चे की
व्यवस्था ये सिमरता राम जी जैसे तो बाहर सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए, जब अपनी जिम्मेवारी के लिए अपनी बैठक हुई है तो सिमरता राम जी इस खर्चे वाली बात में भी कम से कम खर्चा कैसे अपन वाइतो विधानसभा में करें इसका रिकॉर्ड दुनिया को अपने को दिखाना है, ये भी आज अपने सामने दूसरी चुनौती है। अगर इसमें सहमत हो तो मोटो ठेकेदार है, पे वालों है, ये कई फर्क पड़े हैं, ये बहानेबाजी अपने को भाई तुम्हें नहीं पद करनी चाहिए। आमने सामने जब चुनाव होते हैं, भिड़ंत होती है तो उदार लाभ पकड़ना पड़े वो मारे और उमेश जी ने जी जाने और वो एक ब्याह हाल तक वो मेहंदी पूरी वी कोनी बीर पहले आप हैंग मिल तो आप ही होगी करियो और तो नहीं कह सका कि मैं अत्य मंच वाला करियो, भावना अपन लोगों ने थी अपन ही भावना आप नेता का लेकर आ रही स्वीकृति थी तो आप ही करी बात था। तो खर्चा वाले मामले में भी मारी हाथों जोड़ी है खर्चो आप बनाने बाद में पैसे जो करो जो बड़े घोड़ा मल्लानी में एक सरपंच और चुनाव हुए सरपंच चुनाव में होडा होड में आटे का हलवा बनियो पचे दाल का हलवा बनियो पचे बदाम का हलवा बनियो और पचे पिस्ता का हलवा बनियो। हमारे हमारे जो सरपंच है घोड़ा मल्लानी हेमाराम जी चौधरी साहब ये बात तो तय कर लो और दिनेश जी भाई चुनाव में जीत गया, दिनेश जी करने कोई ज्यादा नहीं तो पर होडा होड में दिनेश जी भी करे कहीं बाद में था क्या जेड़ो आप हीरो बनवा व्यवस्था करता पर चुनाव तक बिल्कुल भी मामलो ध्यान में रख आपस में की रही कोई मन मुटाव थोड़ो नोरो बाद में आपा